हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे होंगे। एंड आई होप आप लोगों ने फेस्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। और कमेंट में मुझे बताइएगा फेस्टिवल्स में किस किस ने कैसे कैसे एंजॉय किया। और अगर आप मुझसे कोई पेड कंसल्टेशन चाहते हैं गाइस, जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो एक तो इस वीडियो में ही ना मैं डिस्प्ले करूँगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और एक आप लोगों के लिए मैं रखूँगी, एक कमेंट को पिन करके रखती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर रहता है, मेरी टीम का मोबाइल नंबर है, तो वहाँ पे जाके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि टैरो के अलावा मैं न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी की भी प्रेडिक्शंस करती हूँ, आपका नेम करेक्शन, मोबाइल चेंज, प्रॉपर्टी नंबर, व्हीकल नंबर, आपके लिए सूटेबल कौन सा रहेगा, और आप लोगों की लव कंपैटिबिलिटी कैसी है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, उन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। ओके, सो ये वीडियो है टॉरस सोल ट्राइब के बारे में, और टॉरस सोल ट्राइब के बारे में ये नवंबर नवंबर में जो कि एक 11/11 पोर्टल होता है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल ये पोर्टल रहता है। और इस पोर्टल का तो मैंने अपने आप से एक्सपीरियंस किया है कि इस पोर्टल में जो आप चीज़ एक बार मैनिफेस्ट कर लेते हैं ना, तो वो मतलब विद इन अ वीक और 2 वीक्स आप लोगों की लाइफ में आ जाती है। तो आप इस वीडियो को रोक के, पॉज करके, बैक करके, कार्ड शफलिंग जब मैं कर रही थी उस टाइम पे जाके इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं, या अभी इस वीडियो को रोक के भी अपने इंटेंशन सेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और ये वीडियो इसी बारे में है कि टॉरस सोल ट्राइब क्या अट्रैक्ट कर रहा है, क्या मैनिफेस्ट करने जा रहा है थ्रू दिस 11/11 पोर्टल, ठीक है। छोटी सी क्रिस्प वीडियो रखूंगी मैं, ज़्यादा कार्ड्स भी हम नहीं लेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हम डिकोड नहीं करेंगे, हम बहुत क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट रखेंगे वीडियो को। तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पैसा ही तो चाहिए सबको, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। और यहाँ पे है हर्मेट, यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है गाइज, आप लोग क्या मतलब वो चीज़ होगी ना कि पैसा पैसा, आपको पैसा ही पैसा चाहिए, तो पैसा ही पैसा मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है पहला, और चौथा कार्ड आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली सोल ट्राइब की इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, विश है पैसे के बारे में। और सबकी अपनी लाइफ है, और सबको अपने हिसाब से अपने स्टाइल में जीना होता है, किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, और बहुत बार होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें पैसा चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें प्यार ही चाहिए, पार्टनर ही चाहिए, शादी ही करनी है, ठीक है, लव लाइफ में ही इंप्रूवमेंट चाहिए, और बहुत बार होता है कि पैसा ही चाहिए, करियर की ही ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पे करियर की ग्रोथ डेफिनेटली ये 11/11 पोर्टल आपको देके जाने वाला है। और आपके जो करियर ऑप्शंस होंगे ना गाइज, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड में काम करते हैं, तो आप क्रिएटिव फील्ड की तरफ ज़्यादा जाएंगे। 11/11 पोर्टल में ना आपको इस तरह का कुछ करियर ऑप्शन मिल सकता है, या इस तरह की इंसाइट मिल सकती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, उसमें ठीक है पैसा है, ये है वो है, बट क्रिएटिविटी का जो एंगल है वो मिसिंग है। तो हो सकता है कि आप क्रिएटिविटी वाले एंगल को उसमें डालें, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की, कि मुझे सोशल मीडिया के लिए काम करना है, मुझे इंस्टा पे काम करना है, या मुझे यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, मुझे कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, या तो मुझे अपने रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, या मुझे अपने ऑडियंस के लिए कुछ क्रिएट करना है। तो क्रिएटिविटी फील्ड से पैसा कमाएंगे बेसिकली, या अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि हर हर एक चीज़ में ना, हर एक डिपार्टमेंट में एक क्रिएटिव फील्ड होता है। कंसल्टेशन के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं, और जो भी कंसल्टेंट्स होते हैं, चाहे फाइनेंस में ही कंसल्टेंसी का काम हो, वो चीज़ें, एचआर की जॉब्स, इस तरह की जॉब्स आप लोगों को बहुत सूट करेंगी, जहाँ पे ना पब्लिक स्पीकिंग, या फिर इस बोलते हैं ना पब्लिक डीलिंग, जहाँ पे पब्लिक को डील करना पड़े, क्योंकि आपका खुद का जो ऑरा है ना, वो थोड़ा सा इमोशनल है, जो इमोशनल मैटर्स को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलर हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों में आप बहुत अच्छे रहेंगी, या फ्रंट डेस्क ऑपरेटर्स जो होते हैं, उस तरह की जॉब्स भी बहुत सूट करेंगी, जब पब्लिक के साथ आपको डायरेक्ट डील करना पड़ता है, और उसमें आप बहुत अपना क्रिएटिविटी वाला तड़का भी लगाएंगे, और उससे एक पैसा कमाएंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम मुझे दिख रही है यहाँ पे होती हुई ना, इस एक चीज़ से।
क्रिएटिविटी से, या आप कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ कोई सॉन्ग बना सकते हैं, कोई म्यूजिक बना सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं। पर पैसा आप इस चीज़ से बनाएंगे और एक लॉयल आप रहेंगे अपने पार्टनर के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपनी टीम के लिए, बेसिकली टीम वर्क आप करेंगे। और यहाँ पे पैसे का तो बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ ऐसा रिसोर्स, कुछ पैसे का ऐसा जुगाड़ एकदम से आपकी नज़रों में आ जाना, एकदम से उस पर काम करने लग जाना, ये बहुत अच्छा है। और अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करेंगे, वो चाहे लव लाइफ में है, अगर लव लाइफ में भी है आपको, तो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस तरह का पार्टनर आए जिसके फाइनेंसेस भी अच्छे हों, जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा हो, जिसका परिवार भी अच्छा हो, जिसकी मैच्योरिटी भी अच्छी हो, मतलब मैच्योर बातें करता हो, जिंदा दिल हो और इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करता हो, और बहुत साउंड जिसका बैकग्राउंड हो। अगर मैं इसको बोलूँ, बहुत बहुत प्रिसाइजली बोलने की कोशिश करूँ, तो एक ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे, चाहे गर्ल चाहे बॉय, जो भी आपका जेंडर है, जिस हिसाब से भी आप देख रहे हैं, जो आके आपको संभाल ले, जो आके आपकी लाइफ को संभाल ले, आपके घर को संभाल ले, जो सब कुछ, जिसकी बाहों में आपको सुकून मिले, जिसके पास बैठ के आप दिल की वो बातें कर सको जो आपने आज तक किसी के साथ ना की हो, एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा स्पाउस आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस 11/11 पोर्टल पे डेफिनेटली। और एक ऐसा इंसान जो आपको सुकून भी देगा और जिसके आपकी लाइफ में आने से ना आपकी लाइफ प्रोस्पेरिटी से भर जाएगी, ठीक है, जो खुशियों की सौगात लेके आएगा, जो ढेर सारा केओस, ढेर सारा कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़े नहीं लेके आएगा, बल्कि अगर आपके अपने कुछ इश्यूज हैं ना इस इंसान से मिलने से पहले, क्योंकि हम हमारे अपने एजेंडाज बहुत होते हैं, हमारे अपने इश्यूज, अपनी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो अगर वो भी है ना, तो ये आपको इमोशनल क्लैरिटी देगा और ये आपको इस तरह के सजेशन देगा, ये आपको इस तरह से बात करेगा, इसकी बात करने का स्टाइल इतना सूदिंग होगा कि आपके जो कलेश है ना लाइफ के, पुराने कलेश इस इंसान के लाइफ में आने से पहले, वो भी ठीक हो जाएंगे। ये भी मुझे लग रहा है क्योंकि कलेश है आप लोगों की लाइफ में, वो कलेश मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा तो कुछ तो हुआ है आप लोगों की लाइफ में, और हम सबकी लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है कि टॉरस सोल ट्राइब की लाइफ में हुआ है, कभी ना कभी हम इस चीज़ से गुजरते हैं, डेथ एंड रीबर्थ, मतलब एक इतना बड़ा झटका हमारे को लगता है, चाहे फाइनेंशियली लगे, ठीक है, चाहे इमोशनली लगे, चाहे हम बीमार हो जाएं, जैसे कहते हैं ना मौत के मुंह से बच के आना और एक नया जन्म हो जाना, मतलब एक इंसान बदल ही गया, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, ठीक है, उसको इतना इतना शौक लगा किसी चीज़ का, उसका कोई ऐसा रिलेशन टूटा, या उसको फाइनेंशियली किसी ने ऐसा चूना लगाया, या उसकी हेल्थ ऐसी खराब हुई, या घर में कुछ इस तरह का हुआ, परिवार टूट गया, कुछ भी इस तरह का, कि जिसके बाद कहते हैं कि दोबारा ही जन्म हुआ, एक इंसान बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है, और बहुत बहुत साल लगे हैं इस चीज़ में, ये आज की बात नहीं है। और रीडिंग की खूबसूरती यही होती है टैरो की, कि वो पास्ट का जरूर लेके आती है, कहानी को पूरा करती है। और बहुत बहुत टाइम आप लोगों ने भी अपने ऊपर लगाया है, बहुत बहुत टाइम आपने सोचा है इस चीज़ के बारे में, सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है, डिकोड करने की कोशिश की है कि चीज़ हुई कैसे, कहाँ हुआ, क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, सामने वाले की क्या गलती थी। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि एक चीज़ हम 10 एंगल से देखते हैं, ठीक है, लेकिन कोई आता है वो हमें 11वें एंगल से दिखाता है उस चीज़ को, और हमें लगता है कि 10 ही एंगल तो हो सकते हैं, मैंने ऐसे भी देख लिया, ऐसे भी देख लिया, ऐसे भी देख लिया, बस ऐसे ही है, लेकिन वो 11वें एंगल से दिखाता है। तो ये वो पार्टनर है, ये वो फ्रेंड है, ये वो इंसान है आपकी लाइफ में ना, जो 11/11 पोर्टल के थ्रू आएगा। और ये जो है ना, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकती है, सोलमेट भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है बाद में कार्मिक में भी कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स को सुनेगा और सोल्व करेगा, और चुटकियों में सोल्व करेगा। चुटकियों में सोल्व करने का क्या मतलब है कि आप उस एस्पेक्ट से देख ही नहीं रहे थे, आप उस एंगल को मिस किए जा रहे थे, और ये उस एंगल से आपको वो चीज़ दिखा देगा और वो चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें ठीक भी ऐसे ही होती हैं, चीज़ें खराब भी ऐसी होती हैं। आप एक छोटी चीज़ में ना उम्र भर के लिए उलझ के रह सकते हो, उम्र भर आप उलझे रह सकते हो, और आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में से ना चुटकियों में बाहर निकल सकते हो, बस वो राइट टाइम और राइट मोमेंट की बात होती है, और राइट टाइम और राइट मोमेंट पे ना आपको राइट प्लेस पे भी होना चाहिए। बस यही होगा इस इंसान के साथ जब ये लाइफ में आएगा, तो जिसे कहते हैं कि पार्टनर भी बनेगा ये आपका, फ्रेंड भी बनेगा ये आपका, मतलब सपोर्ट सिस्टम भी बनेगा, रहनुमा भी बनेगा, रहनुमा तो हम सफर तो बनेगा ही बनेगा,
अगर आप ठीक से इनको रखेंगे और अपनी नेगेटिविटी पे भी काम करेंगे और अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे भी काम करेंगे, और डेफिनेटली ये ढेर सारा ये चीज़ें लेके आएगा आपकी लाइफ में, जो जितने भी होती है ना अर्थली कंफर्ट जिसको बोलते हैं, ज़मीन से मिलने वाले जितने भी सुख है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर है, बंगला है, गाड़ी है, घर में जितने भी सामान हैं ऐशो आराम के, कम्फर्ट के, वो सब चीज़ें, जितने भी आपकी इंस्ट्रूमेंट्स है जो घर में आप यूज़ करते हैं, वो सब भी चीज़ें नाइन ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू दिखाते हैं। और नाइन बेसिकली ना एक कंप्लीट नंबर है अपने आप में ना, नाइन में आप कुछ भी जोड़ो तो वो ही नंबर आ जाता है, नाइन जैसे कहीं गायब भी हो जाता है, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट हुआ नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि इस इंसान के आपकी लाइफ में आ जाने से ढेर सारा सक्सेस ग्रोथ, करियर ग्रोथ, आपका हेल्थ का जो लॉस हुआ हुआ था यहाँ पे, क्योंकि डेथ का कार्ड आया था और यहाँ पे हरमीट का कार्ड आया था, आप लोग डिप्रेशन में भी रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के तो इलाज चले हों, इवन ना दवाइयाँ चली हों, फिजिकल हेल्थ भी खराब रही है, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी खराब रही है, तो उन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में, सब जगह ही आप लोगों को एकदम से देखो, ये कार्ड्स के जो ओराज हैं ये खराब हैं, और इन इनके ओराज देखो, ग्रीन जो कि प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, ऑरेंज जो कि क्रिएटिविटी को दिखाता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, और क्रिएटिविटी किस चीज़ की फॉर्म में होती है, क्रिएटिविटी बहुत बार ये होती है, कुछ लोग हैं जो बेबी प्लान करना चाहते हैं लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी तो आपकी क्रिएटिविटी है कि दो लोग मिलकर एक बच्चा क्रिएट कर लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है इस तरह की विश आपकी फुलफिल हो जाए, आपको खुशखबरी मिले इस 11-11 पोर्टल के 2 वीक्स आफ्टर एंड 2 वीक्स बिफोर इसकी एनर्जी चलती है, तो हो सकता है इसमें ही आपको इस तरह की खुशखबरी भी मिल जाए। टोटैलिटी है यहाँ पे, जो लाइफ है ना गाइज, वो अकेले अकेले चल के नहीं कटती है। ओके, पॉलिटिक्स, सो ढेर सारा पॉलिटिक्स भी है आपके अराउंड, आपको दिखता है या नहीं दिखता है, आप इन लोगों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, हो सकते हैं इनके इतने प्यारे प्यारे चेहरे हों, इनके चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी मुस्कान रहती हो, बहुत अच्छे से इस तरह के लोग आपके आसपास रहते हों, बट रियल में जो इनका चेहरा है ना, ये इतना घिनौना है। तो ये भी है कि आप लोगों ने अपनी आस्तीन में सांप भी पाल रखे हैं, और इस तरह के लोग अगर आपके पास हैं तो इस तरह के लोग आपके पास कैसे रहेंगे। तो मैंने बोला था ना एक चीज़ कि ये इंसान है तो सोलमेट, लेकिन ये कार्मिक में कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता है आपकी हरकतें ऐसी रहें, हो सकता है आपके आसपास वालों की हरकतें ऐसी रहें कि वो इतना हैवी पॉलिटिक्स इसके साथ खेलें कि ये कार्मिक में कन्वर्ट हो जाएं। तो आपका काम है कि इस 11-11 पोर्टल में ऐसा कुछ होगा गाइज आपके आसपास कि आप इनको पहचान पाएंगे, ये एक भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसको पहचानना है या इनको पहचानना है और इनको लाइफ में से अपनी दूर करना है, ये आपका ही काम है। और ये कार्ड आया है 5 नंबर का काम, टोटेलिटी का कार्ड आया है, तो लाइफ में कोई भी जो बोलते ना, कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जाती, कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं किया जाता, लाइफ जो है कम्युनियन का काम है, एक दूसरे के साथ बढ़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ पे आप काम करेंगे, तो टीम वर्क में आप काम करेंगे। अगर मैं इसको पर्टिकुलरली देखूं कि किस तरह का काम आपको सूट करेगा, तो आप किसी टीम को हेड भी कर सकते हैं या आप किसी टीम वर्क का हिस्सा रह सकते हैं, और आपने अपना 100% देना है सो दैट दूसरे भी आपको अपना 100% दें। तो अलग थलग होके ये हरमीट वाली जो है ना, इसको छोड़ देना है, इस एनर्जी में अब नहीं रहना, अलग थलग होके नहीं रहना है, बहुत आप लोगों ने रह के देख लिया है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये ना आपके कार्ड्स इतने हैवी आए हैं, और आपके आसपास ये पॉलिटिक्स वाला जो कार्ड आया है, ये बताता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। तो एक टफ साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं, एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल में, हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से रह रहे हो, क्योंकि ये मैंने बोला ये सालों चला है आप लोगों के साथ, तो एक झटके से ही आपको इसमें से निकाला जा रहा है, और आपके रिलेशनशिप्स के जो टेक्सचर्स हैं उनको चेंज किया जाएगा, उनको रीपेंट किया जाएगा। तो दिस इज़ द टाइम कि भगवान ने आपके हाथ में ब्रश दिया है, पेंट्स दिए हैं, तो इस बार बहुत अच्छे से उसको पेंट कीजिएगा, लुक एट द बिगर पिक्चर, और बहुत मन मैला करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लेसन्स हैं, ये जो लाइफ है, लाइफ के जो टफ लेसन्स हैं, लाइफ में जो टफ लोग हमें मिलते हैं, जो हमें हर जगह से हरा देते हैं, तोड़ देते हैं, झुका देते हैं, सो इनका भी एक रोल है,
छोटी सी वीडियो में उसके रोल को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, बट एट टाइम जब आपको लगे कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो लुक एट द बिगर पिक्चर कि ये सब चीज़ें हुई हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मजबूत करने के लिए और मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए ही हुई हैं। लुक फॉर अ साइन आया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को हो सकता है एंजल नंबर्स बहुत दिखते हों, 333, 555, 999 इस तरह के एंजल नंबर्स दिखते हों, हो सकता है आपको दिखें इस पोर्टल के आसपास, हो सकता है आपको तितलियां दिखती हों, बटरफ्लाइज, हो सकता है आपको भंवरे दिखते हों या फिर ड्रैगन फ्लाइज दिखती हों, ये भी हो सकता है कि आपको फेदर्स दिखते हों, पंख जो होते हैं आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन ही कहीं से पंख आ गया घर में, या सड़क पे आप चल रहे थे वहाँ पे आपने देखा, तो ये सब साइंस हैं दूसरे डायमेंशंस के कि यस यू आर कनेक्टेड, यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद दैट स्पिरिचुअल रिल्म, ठीक है। तो ये वीडियो आप तक पहुंची है और आपको अपील कर रही है, आप इसको देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद दोज वर्ल्ड्स जहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, जहाँ से ये पोर्टल्स खुलते हैं, बंद होते हैं, जो एनर्जी चैनलाइज होती है, यानी कि आप उस सब चीज़ों के लिए रिसेप्टिव हैं, तभी आप तक ये वीडियो पहुंची है। सब तक तो नहीं पहुंची, सब तक तो कुछ भी चीज़ नहीं पहुंचती है। तो इन साइंस एंड सिंबल्स पे ध्यान देना है, ये कुछ कहने की कोशिश करते हैं आपको। परफेक्ट टाइमिंग है बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में करने के लिए, लाने के लिए, अपनी अप्रोच को चेंज करने के लिए। लव लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यस गो अहेड है यहाँ पे। जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई जॉब में जाना चाहते हैं, करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, जो भी जिसकी विश है उस चीज़ के लिए, अगर आप डिसीजन के लिए सोच रहे हैं कि वेन टू डू दिस, कब करना है ये, कब करूँ, ठीक है, तो उसका आंसर है कि यही परफेक्ट टाइमिंग है। इसी मंथ में आप नवंबर के कर लेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी बहुत अच्छे से अपना डिसीजन लेना है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को आपने देखना है, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के, वो सब आपने बहुत अच्छे से हर चीज़ के देख लेने हैं। और आखिर में ले रही हूँ भगवान शिवा से गाइडेंसेस। भांग है यहाँ पे, जिसका मतलब यानी कि एडिक्शन को दिखाता है भांग। तो सबसे पहले तो है कि थोड़ा सा लॉर्ड शिवा के लिए आप अपना डिवोशन क्रिएट करें, ठीक है, कल्टीवेट करें। आप हैं भगवान शिवा के भक्त, आपको शिव भगवान बहुत पसंद है, ठीक है, तभी तो ये ओरेकल रीडिंग हो रही है आप लोगों के लिए, पर थोड़ा सा उसको बढ़ाएं। और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे, जहाँ भी आपको हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, आप भगवान शिवा से आप ब्लेसिंग मांग सकते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा जो है गुड फॉर्चून है आप लोगों के लिए, और भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आप मांगे या ना मांगे हमेशा आपके साथ है। और जो आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देता हूँ गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून बहुत ही अच्छा भाग्य है, सौभाग्य की मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देता हूँ, आशीर्वाद है कि ढेर ढेर सारा सौभाग्य तुम लोगों को मिले, ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो और क्या ही मिल सकता है। क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी रीडिंग को, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी विश क्या है, वो कौन सी विश है जो आप फुलफिल करना चाहते हैं, और दिवाली आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की, कैसे कैसे इन्जॉय किया, आपकी दिवाली कैसी रही, वो भी मुझे बताइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने हमेशा मुझसे बनाए रखा है, आगे भी बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।